हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सरफायर्स। तो यहाँ पे दोस्तों मैं प्रसन्ना वर्मा आपके सामने करंट न्यूज के साथ प्रेजेंट करती हूँ कि सुजुकी यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला है 1.4 बिलियन को फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स डेवलपमेंट इन इंडिया। मैं उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। आइए शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। एक्चुअली में न्यूज क्या है आपको बताती हूँ। फ्यूमियो किशिदा, ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं, ये विजिट टू इंडिया फॉर 14th इंडिया जापान एनुअल समिट, और हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वेलकम करा इनको एक 2 दिनों के इवेंट के लिए जो कि मार्च 19 से 20th तक चला। दोनों ही प्रधानमंत्री ने कंफर्म किया कि हम इन्वेस्टमेंट करीब 42 बिलियन डॉलर्स का करेंगे इंडिया के अंदर अगले 5 सालों में। अच्छी खबर है MSIL के लिए कि ये है कि सुजुकी एक पैरेंट कंपनी है और ये इन्वेस्ट करने वाली है 1.4 बिलियन, 104 बिलियन डॉलर्स, मतलब ये तो 104 बिलियन रुपीज हो गए भाई, 1.4 बिलियन डॉलर्स वगैरह फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो आइए डिटेल्स को समझते हैं, बट शुरू करने से पहले आपके फायदे की बात करते हैं। दोस्तों देखिए, अनअकैडमी पे कोर्सेस आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब आप मेरा कोड सिर्फ आईएस यूज करोगे 10% डिस्काउंट तो पाओगे, लेकिन अभी प्रीलिम्स आने वाले हैं, इसमें आपको टेस्ट सीरीज की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज यहाँ पे बहुत सारे एनरोलमेंट्स हैं, बहुत अच्छी रेटिंग है। सिर्फ मेरा कोड सिर्फ आईएस यूज करिए और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इस बहुत अच्छी चीज में। साथ में आप नए चीजों के लिए, अगर आप नए सिरे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बैचेस में इनके ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं इसके अंदर, और आप इन बैचेस को बहुत आसानी से ईएमआई पे अवेल कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें क्योंकि आपको इसमें पर्सनल मेंटरशिप और काफी कुछ डेली आंसर राइटिंग वगैरह मिलता है। 0% ईएमआई पे मिल रहे हैं, इससे अच्छा क्या ही मौका है, और 0 प्रोसेसिंग फीस, 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऑल द लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो राइट नाउ एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड सेल्फ आईएस बिकॉज आई कैन हेल्प यू आउट इन दिस पर्सनली। नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक, तो मारुति सुजुकी के क्या प्लान्स हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए, मारुति ने कभी भी कोई कमिटमेंट नहीं करी यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन को लेके, जो कि यहाँ पे होने वाला है फ्यूचर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में। अभी क्या है कि सुजुकी ने अनाउंस करा कि हम यहाँ पे बहुत बढ़िया मोटा ताजा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अपने इस मिशन के हिसाब से विद आवर नेशन स्ट्रेटजी, ताकि हम ये जो ऑयल की डिपेंडेंसी है ना दोस्तों, इसे कम कर सकें, और ये इतना बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण जो है, जो एयर पोल्यूशन है, उसे हम कम कर सकें। देखिए, सुजुकी मोटर जो कॉरपोरेशन है उसने साइन करा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गुजरात की सरकार के साथ में, और एमओयू जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये कहता है कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के लिए मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडिया के अंदर है। अब आप कहेंगे कि मैम इस एमओयू के हिसाब से क्या बात है। बात यह है दोस्तों कि भाई इन्वेस्टमेंट 31 बिलियन का किया जाएगा, 31 बिलियन रुपीज का, हाँ किया जाएगा। ये देखने के लिए प्रॉपर आगे कि इंक्रीमेंट कैसे हम प्रोडक्शन में ईवीएस के, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कर सकते हैं बाय 2025। कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी टोटल 73 बिलियन रुपीस को ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करने के लिए, इस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया के अंदर बाय 2026। साथ में ये 45.63 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करे जाएंगे व्हीकल रिसाइकलिंग प्लांट में पूरे देश के अंदर। ये बहुत ही बड़ा बूस्ट रहेगा मारुति सुजुकी के लिए, और ये इन्वेस्ट कर रहे हैं दोनों ही बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में ताकि हम प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर सकें, प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी इंक्रीज कर सकें। तो इससे जानते हैं नई नई मार्केट्स और कैचअप हो सकेंगी ईवीज के अंदर टाटा विद देयर नेक्सन ईवी। अभी के लिए मारुति जो है वो लीड करती है आईसी और सीएनजी कार सेल्स में इंडिया के अंदर, तो इसमें भी आ जाएगी, क्या बात है भाई। अब आप कहेंगे कि माँ आने वाली कौन सी कारें हैं मारुति की, जरा ये भी बताती चाहिए। देखिए, मारुति ने अपडेट करे हैं अपने दोनों ही बेस्ट सेलिंग हैचबैक को, वैगन आर जानते हैं बहुत ही फेमस निकला, और 2022 बलेनो। इनका प्लान है कि बहुत सारी कार्स को भी हम अपडेट करेंगे 2022 में। इन्होंने कहा है कि हम मारुति अर्टिगा, एक्सएल 6, ब्रीजा को भी बहुत अच्छा फेसलिफ्ट देंगे इस साल ही।
इसके साथ मारुति जो है हो सकता है कि लॉन्च करे इतने टाइम से रुकी हुई जो जिमनी है और मिड साइज एक्स यूवी को कोलैबोरेशन में टोयोटा के साथ ये लॉन्च कर सकती है। रिसेंटली को डेवलप्ड मिड साइज एसयूवी देखने को मिली है टेस्टिंग के टाइम में इंडिया के अंदर, तो लगता है कि भाई लॉन्च होने वाला है। तो इससे मार या हिंडई क्रेटा हो गया, किया सेल्टोस, टाटा एरियर और एमजी हेक्टर वगैरह ये सब जो चल रही है इसके साथ, ये भी देखिए कैसे क्या कमाल दिखाती है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है देश के लिए हमारे। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही न्यूज में। जय हिंद, जय भारत।